अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रिक टिप्स और आज की नई वीडियो में हम बात करेंगे उमरान मलिक की। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ का स्पेल जो इंडिया के ख़िलाफ़ था वो आपको याद होगा, और हमेशा से ही पाकिस्तान के तेज़ बॉलर्स से डरते रहे हैं, शुएब अख्तर से, वकार यूनस से, जो इंडियन प्लेयर्स हैं, और वो हमेशा चाहते थे कि कोई ऐसा हल उन्हें निकले और हल मिले। जैसे हमने देखा T20 वर्ल्ड कप में कोई भी बॉलर मुतासर को नहीं रहा इंडिया की तरफ से, और पाकिस्तानी ओपनर्स तक को आउट नहीं कर सके 2021 वर्ल्ड कप के जो मैच हुआ पाकिस्तान और इंडिया का। तो अब उन्होंने कोशिश की और वो खोज लगा रहे हैं कि कोई ऐसा बॉलर और ऐसा स्पीडी बॉलर हो जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सके। और ऐसा ही एक बॉलर जो है वो IPL में आया है, उसने IPL के लिए डेब्यू किया है, उमरान मलिक उनका नाम है और जम्मू कश्मीर से उनका ताल्लुक है। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से उन्होंने अपना डेब्यू किया है IPL का, और पहले ही मैच में उन्होंने 153 की रफ्तार से बॉल की है, और ये किसी भी इंडियन की तरफ से शायद तेज़ तरीन बॉल हो, और IPL की तो ये तेज़ तरीन बॉल है ही किसी भी इंडियन की तरफ से। और भी कुछ तेज़ बॉलर्स हैं लेकिन वो मुख्तलिफ ममालिक से हैं, जैसे मिचेल स्टार्क हैं, जोसेफ हैं उनके वेस्ट इंडीज़ के, और जो दूसरा फर्गसन है, तो और बॉलर्स हैं तेज़, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई तेज़ बॉलर बहुत देर बाद देखने को मिला है। इससे पहले उनकी स्विंग बॉलिंग और जो दूसरी है वो उसमें कोई जो है वो हमने बुमराह को देखा, उनकी यॉर्कर्स अच्छी थी, लेकिन इस कदर तेज़ और इस तरह एक्यूरेसी के साथ यॉर्कर्स करवाना वो जो है वो उमरान मलिक का एक टैलेंट है। और उमरान मलिक ने पिछले मैच में 5 विकेट ली 25 रन देकर, जो कि बहुत मुतासरकुन परफॉर्मेंस है। तो एक तो वो पेसिंग है, दूसरा वो एक्यूरेट है, और राशिद लतीफ़ साहब ने भी उनकी तारीफ़ करते हुए कहा था कि जो चीज़ इनमें मुख्तलिफ है वो ये है कि ये बाउंसर भी बड़ा एक्यूरेट करवाते हैं और बाउंसर करवा सकते हैं, जो कि मुश्किलात का सबब बन सकता है दूसरी टीम्स के लिए। और इमरान मलिक जो है वो बहुत जल्द जो है वो इंडिया की टीम में स्पेस बना लेंगे, जगह बना लेंगे, और ऐसा ही हुआ और उनको स्पेस मिली। अभी जो मुत्तहिदा अरब अमारात में T20 के लिए नेट बॉलर के तौर पे इंडियन टीम जो है उमरान मलिक को अपने साथ लेके जा रही है, क्योंकि 2022 का वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है और वहाँ पे पेसी बॉलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इस वजह से उमरान मलिक जो है वो बहुत लाइमलाइट में है, बहुत नज़र में है। विराट कोहली ने पहले मैच में ही उनकी तारीफ़ की थी और उन्होंने कहा था कि उमरान मलिक जिस तरह की बॉलिंग करवाते हैं, तो जिस तरह के ये टैलेंट है IPL में हर दफ़ा कोई ना कोई टैलेंट मिलता है, और इस दफ़ा जो है वो सबसे जो अच्छा टैलेंट उनकी नज़र में है वो उमरान मलिक है, कि जिस तरह से पेस के साथ वो बॉल करवा रहे हैं। तो वो ये समझते हैं कि पहले बैटर्स तो आते रहे, और बैट्समैन हमने देखा हर जो IPL का सीज़न होता था उसमें कोई ना कोई नया बैट्समैन, जो नया नाम जो है उभर के सामने आता था, KL राहुल ले लें, और जो है वो शुभमन गिल ले लें, इस तरह के और बहुत से नाम हैं जो IPL की थ्रू नज़र आए, और हो सकता है इससे पहले Under-19 उन्होंने खेली हो। लेकिन जो उमरान मलिक है उससे पहले लिस्ट ए का सिर्फ एक मैच खेला उन्होंने, एक ही T20 मैच और खेला उन्होंने, और जम्मू कश्मीर से उनका ताल्लुक है, और एकदम से वो सामने आए हैं, और जब से वो सामने आए हैं तो उन पर नज़र कायम है सब लोगों की, उमरान मलिक हो रही है हर जगह पर। आपने देखो हर मैच में जो तेज़ तरीन डिलीवरी का अवार्ड है वो भी तकरीबन वो ले जाते हैं, 150 जो है वो बड़ी उनकी एवरेज स्पीड नज़र आ रही है, कि हर मैच में वो 148 150 148 150 जो है वो हर ओवर में बॉलर इसी एवरेज पे करवा रहे होते हैं, जो कि एक बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है बैट्समैन के लिए। बैट्समैन को इस पेस में बॉल को समझना, और अगर थोड़ी सी भी वो स्विंग और सीम हो रही हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है बैट्समैन के लिए, और हमने देखा कि ऐसा ही हुआ थ्रू आउट जो अभी तक उन्होंने मैचेस खेले हैं, कि बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा बड़े बड़े बैटर्स को उनके सामने। अभी पिछले मैच में ही आपने देखा होगा कि उन्होंने 5 विकेटें ली हैं, और जो अच्छे बैट्समैन परफॉर्म कर रहे थे उनको भी उन्होंने बोल्ड कर किया है, और शॉर्ट पिच भी की है और फुलर लेंथ भी की है। तो उमरान मलिक जो है वो एक बहुत बड़े टैलेंट के तौर पर सामने आए हैं, और लग ये रहा है कि वो 2022 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में ज़रूर होंगे, नेट के लिए तो वो डिसाइड हो गए। इसी के साथ दीजिए ज़्यादा अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।